अरे परवेज साहब तो उसकी एक्शन हो जाती है, क्योंकि जो सरकारी अफसर है वो सरकार के साथ लोगों का एक सर्विसमैन है, जिसको उर्फ आम में बोलते हैं नौकर। चलो हम नौकर नहीं बोलेंगे, सर्विसमैन ही बोलेंगे, एक नुमाइंदा है, मगर उससे बड़े नुमाइंदे आप हैं। क्यों? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। जहां कोई भी बंदा नॉमिनेशन लेता है वो पब्लिक का नुमाइंदा बन जाता है। जिस तरह एमएलए और एमपी पब्लिक के नुमाइंदे हैं, एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूशन का है। अगर इसका कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो पूरे स्टेट का नुमाइंदा है, वो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। आज तक आप लोगों को ये नहीं बताया है कि आपके हक हुकूक कहाँ पर है, कौन करता है, कौन खाता है, क्यों नहीं होता है। कोई अफसर आपको घर नहीं आएगा, कोई लीडर आपको घर नहीं जाएगा। जबकि असल कहानी जो ह्यूमन राइट्स का कहानी है, जो हक हुकूक है, वो असल अफसरों को डोर टू डोर जाना चाहिए, लोगों के मसले मसाइल हल क्या है, मगर हुआ उल्टा। पॉलिटिकल लीडरों ने उनको अफसर बनाया, शाही गद्दी पर बिठाया, शाही गद्दी पर बिठाकर जो उनको तरीका कार आता वो कर लेते हैं। असल में वो चीज नहीं है। अगर वो किसी कुर्सी पर बिठाया गया है उसको पब्लिक रिप्रेजेंटेशन देखना है, लोगों के मसले हैं, खजाने के पास हुए, सरकार के पास बड़े खजाने हैं मसले हल करने के लिए, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, चाहे वीडियो हो, हर एक, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे आर्मी डिपार्टमेंट, जो भी हो, मगर ये नहीं आएंगे। क्यों? इनको जो फील्ड किया गया है अपनी अफसरशाही करने के लिए, ये वही अफसरशाही है। जब तक ना आप इनको अवेयरनेस दे दोगे, अपनी टीम लेकर जाओगे, हमारे ये मसले हैं, ये मसले हल करो, वो इमरजेंसी करेगा। नहीं करेगा तो एक सिंपल रिपोर्ट लिखना है कंसर्न को, फलानी अफसर ने नहीं किया, जो उसका बड़ा अफसर है, डीसी तक जो अफसर है, अगर वो भी नहीं करेगा उसके ऊपर डीकॉम वगैरह सब बैठते हैं, तो उसकी क्या हाल होगी अफसर की, तो बेहद में आपको पता लगेगा खुद। जो काम नहीं करेगा तो उसका फिर उल्टा गिनती ही हो जाता है। तो इसलिए आप लोग जब घर से निकलोगे 5 कदम, तो सरकार के लोग या ह्यूमन राइट्स के लोग ये 20 कदम आगे आए। हम यहां वादा नहीं करेंगे हम घर घर आपको मसले हल करेंगे, नहीं। हर घर में बीमारी है, हर घर में बीमारी, 10 किस्म की बीमारियां हैं, किसी को टेंशन की, किसी की दवाई की, किसी को पावर की, किसी को बिजली, बहुत तरीके की परेशानियां हैं। हर घर में जब एक मेंबर बनेगा एज अ वॉलंटियर, जब एक मेंबर घर में बनेगा एज वॉलंटियर, उसके हाथ में मोबाइल होता ही होता है। जो हमारे हेड होते हैं ना, उनको वो फोन करेगा, हमारे घर में ये मुसीबत है, हमारे घर में राशन नहीं है, दवा नहीं है, पेंशन नहीं मिल रहा, बाकी चीज नहीं मिल रहा, उनको दौड़ाना नहीं। एक मेंबर जो घर में है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो कंसर्न को फोन करे, कंसर्न उसको एक्शन करेगा, अपना टीम चार्ज लेकर जाएगा, चाहे उसका अफसर दफ्तर में काम हो, चाहे किसी पर्सनल काम हो, चाहे कोई भी काम हो, तो उसे उसको वो कहते हैं इंसानी हक हुकूक अदा करना। यहां भी आपको उसमें फायदा है, वहां पर भी आपको फायदा है। अगर हम इंसानी दोस्त बने, सबसे बड़ा रिश्ता ये प्लेटफॉर्म जो जोड़ता है, ये इंसानी रिश्ता जोड़ता है, इंसानियत के नाम पर एक रिश्ता जोड़ता है। यहां आज माँ बाप, भाई बहन सब उल्टे पुल्टे जमानों में घूम रहे, किसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, किसी के साथ कोई वो लिहाज नहीं है, कलयुग का जमाना चल रहा है, मगर ये प्लेटफॉर्म जुटने के लिए पिछले 30 साल से चल रहा है, पूरी वर्ल्ड में चल रहा है।
इंसान को इंसान के साथ जोड़ता है, इंसान को इंसानियत के साथ जोड़ता है। उससे जितने भी इनके मसाइल हो, अपने हो, घर के हो, परिवार के हो, सब जुड़ गए। आजकल देखे ड्रग्स कितना चल रहा है, कौन चला रहा है, माँ बाप परेशान है, इतने बड़े बड़े डिग्रियां लेकर नौकरी नहीं है, उनके पास लोन नहीं है, सिर्फ ड्रग्स पीते, तो यूथ खत्म हो गए, उस पर किसी का विचार नहीं। ये काम था कंसर्न, ये काम था कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव का, उस पर अवेयरनेस दे, नहीं देता कोई, बोलता है चलो जो मरेगा सो मरेगा, बेहद में देखेगा। इंसान इंसान को मारने पर तुला है, डुप्लीकेट दवाई चल रहा है, वही इंसान बेचता है, वही इंसान